हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 17, चोर पकड़े गए। ओके, थीव्स वर कैच। ये एक कहानी है, चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल मुश्किल मतलब कठिन हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें मीन्स योजना बनाते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। समस्या का हल में जो भी परेशानी थी उसका हल जल्दी करना चाहते थे, ठीक है ना। तो जो एक गांव था वहां पर क्या है, बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरी की वजह से जो वहां के लोग थे वो बहुत ही परेशान थे, उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था चोरों के वजह से, आए दिन चोरी करते थे। तो गांव वालों ने बहुत से उपाय सोचे चोरों को पकड़ने के लिए, पर वे सारे उपाय उनके नाकामयाब रहे, मतलब उनके काम नहीं किए। जिन तरकीबों के द्वारा, जिन उपायों के द्वारा वे चोर को पकड़ना चाहते थे, तो उनकी तरकीबें काम नहीं आई। जो गांव के सरपंच थे चौधरी साहब भी, वह भी उस समस्या के हल के लिए हल करना चाहते थे, उस समस्या को हल करना चाहते थे। नेक्स्ट है, एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उनके कमरे की खिड़की के पास दो तीन आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है ना? चौधरी जो थे, सरपंच जी थे जो वहां के चौधरी साहब, वे रात में अपने चारपाई मीन्स पलंग पर लेटने ही वाले थे, तो वे उनकी अचानक से नजर कहाँ पड़ी, खिड़की पर पड़ी। तो उन्हें वहां पर खिड़की के पास दो तीन आदमी खड़े दिखाई दिए। तो उन्होंने थोड़ी तेज से पूछा कि कौन है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये लेटने ही वाले थे चौधरी साहब जो सरपंच हैं, तो इन्होंने खिड़की पर देखा। देखिए खिड़की से ये बाहर तीन आदमी यहाँ पर देख रहे हैं उनको, है ना। तो उन्होंने इनसे पूछा कि कौन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़कर गांव में शांति का परिवेश बनाया जा सके, परिवेश मीन्स माहौल बनाया जा सके। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तुम थकी हो, मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। ओके, तो सरपंच जी थे, उन्होंने अपने दिमाग से काम किया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं शोर मचाऊंगा, है ना, तो वे चोर क्या होंगे, भाग जाएंगे, है ना, इसलिए, और गांव की जो समस्या है वह हल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा चोरों को पकड़ने के लिए, ताकि गाँव में जो समस्या है, मुश्किल की घड़ी है, उसमें शांति का माहौल बनाया जा सके। तो चौधरी साहब जो थे वो अपने चारपाई पर लेटी पत्नी से बोलते हैं कि मेरी खीर खाने की इच्छा है, तुम थकी हो तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, और हम उसे उस खीर को सुबह सुबह खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर चौधरी साहब की पत्नी को पहले तो कुछ हैरानी हुई, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है, नहीं तो चौधरी साहब ऐसी अजीबोगरीब बातें नहीं करते। अजीबोगरीब मीन्स क्या होता है, अजीबोगरीब मीन्स बेतुकी बातें, मतलब जिसका कोई भी मतलब ना हो, ठीक है ना, बातें कभी नहीं करते। चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे, है ना। जो चौधरी साहब थे तो उनकी पत्नी ने पहले जो बातें सुनी कि खीर खाने की इच्छा थी उनकी, तो पहले उनको तो लगा कि यह हैरानी हुई उनकी बात सुनकर, पर वे समझ गई, उनकी पत्नी समझ गई कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, परंतु तभी तो चौधरी साहब ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो वे कभी भी ऐसी बेतुकी बातें नहीं करते हैं। वे किचन में जाकर खीर बनाने लगे, ठीक है। तभी उन्हें रसोई घर की खिड़की के पास से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब जोर से बोले, अजी सुनती हो, आजकल चोरी बहुत हो रही है, अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा।
उधर चोर अलमारी में माल ढूंढते रह जाएंगे, इधर आटे के बारे में तुम्हारे जेवर पूरी तरह बोरे में आटे के बोरे में जे तुम्हारे जेवर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सरपंच साहब जो थे, चौधरी साहब, उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए जो उपाय सोचा था उसके लिए वो बोलते हैं कि अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, चोर कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने खीर बनाते बनाते अपनी पत्नी से कहा कि अपने जेवर सारे रसोई घर में ले आओ, है ना। मतलब उन्हें चोरों को सुनाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि चोर सुन रहे थे उनकी बातें, इसलिए वे उन्हें सुनाने के लिए बोल रहे थे कि अपने सारे जेवर ले आओ तो आटे के बोरे में हम डाल देते हैं और चोर हैं जो वह अलमारी में ढूंढते रह जाएंगे उन्हें, क्योंकि आटे के बोरे में तो उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि कोई जेवर छुपा सकता है ना, और तुम्हारे जेवर सुरक्षित रहेंगे। वे चोरों को सुनाने के लिए तरकीब सोचते हैं। फिर है, इतना कहकर चौधरी साहब फिर बोले, लो बन गई पिस्ते वाली बढ़िया खीर, इसे ठंडा होने के लिए रख रहा हूँ, सुबह खाएंगे। तुम्हारे जेवर भी आटे के बोरे में छिपा दिए हैं, चलो अब सो जाते हैं, है ना। फिर से वह चोरों को सुनाने के लिए बोलते हैं कि लो बन गई बढ़िया पिस्ते वाली खीर, इसे ठंडा होने के लिए रख देता हूँ, सुबह खाएंगे, और तुम्हारे जेवर भी मैंने छुपा दिए हैं आटे के बोरे में, है ना। फिर बोलते हैं चलो अब हम सो जाते हैं। चौधरी साहब अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे चोरों को लगे कि वे सो गए। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियां देखने लगे। जो चौधरी साहब थे वे अपने कमरे में चले गए और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, है ना। जोर से बंद किया मतलब चोरों को समझ में आए कि दरवाजा बंद हो गया, मतलब सो गए हैं सब लोग। फिर दरवाजे में जो एक छोटा सा छेद था, वे उससे रसोई घर की सारी गतिविधियां, गतिविधियां मीन्स वहां पर जो चल रहा था, है ना, वहां की जो हलचल थी, वहां पर जो होने वाला था, जो चोर करने वाले थे, उन्हें सब दिखाई दे रहा था, वहां से देखने लगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट अपना चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप ये आगे जो हम पढ़ चुके हैं उसे आप पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।